तिरंगे के सामने भारत माता की जय के नारे लगाने वाला ये युवक किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी जमानत के लिए कोर्ट के हुक्म की तामील कर रहा है। युवक का नाम है फैजल, जिस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारा लगाया था। इसके बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मध्य प्रदेश के युवक फैजल को मंगलवार को कोर्ट ने जमानत देते हुए अनोखी शर्त रख दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने फैजल को जमानत देते हुए शर्त रखी कि उसे महीने में दो बार भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे को सलामी देनी होगी। मामले का निपटारा होने तक उसे हर महीने हर पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देने के साथ भारत माता की जय का नारा लगाना है। कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए फैजल ने इसकी शुरुआत कर दी है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैजल ने भोपाल के थाने में 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाए। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद का नारा लगाने पर पश्चाताप भी जाहिर किया। उसने कहा कि रील बनाते हुए उसने गलती से वो नारा लगा दिया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय ही कहूंगा मैं। जो गलती हो गई उससे स्वीकार हूं मैं, और जो मेरे को हाई कोर्ट ने पालन दिया है वो मैं करता रहूंगा हमेशा, और कानून का भी करूंगा, देश का भी करूंगा। ठीक है, तो देखिए आप ये बताइए, आप ये सिर्फ थाने में आकर बोलेंगे या वैसे भी आप सभी के सामने? पूरी दुनिया में बोलूंगा मैं, जहाँ पे जाऊंगा मेरी दुनिया, जहाँ पे मेरे कदम है, जहाँ तक के हिंदुस्तान, जहाँ तक का रील बनाने के चलते हुआ था जी। किसने कहा था आपको, चैलेंज किया था? किसने चैलेंज किया था ये अब उनका नाम तो मालूम नहीं मुझे। अब वो एक वीडियो बना रहे थे, अब वो रील हो गई, अब बस इस तरह। क्या बोला था आप? जो लोग वीडियो बना रहे थे उनसे भी कहोगे क्या बोला? उन्होंने क्या चैलेंज किया था आपको कि तुम मुस्लिम हो क्या पाकिस्तान? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं किया, ऐसा कोई चैलेंज बस यही किया था कि आप वीडियो बनाना, अपन को एक डालना है रील। अब देखो कौन नहीं बनाता, हीरो सनी देओल ने बनाया है, अब उसके चक्कर में मैंने गलती हो गई है, अब इससे मेरे को सहमत हूँ, कभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। दूसरे से भी कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय बोले, और ऐसी कभी कोई ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करे। ठीक है, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, कब तक आओगे यहाँ? जब तक मेरा केस चल रहा है जब तक मैं आऊंगा यहाँ पे। थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने मीडिया से बात करते हुए सलाह दी कि जानबूझकर या मजाक में भी ऐसा काम करने से बचें जो देश की मर्यादा को ठेस पहुंचाए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आज ये पहला मंगलवार पड़ रहा था इसका टर्म के अनुसार, तो आज ये समय पे यहाँ पे आरोपी फैजान आया था और उसके द्वारा जो निर्देशानुसार 21 बार राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करके भारत माता की जय नारा लगाया गया है और ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। ये इस संबंध में उससे आप बैठ लीजिए कि उसको पश्चाताप है या अथवा नहीं है, परंतु जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश था उसका पालन हमने मेरे द्वारा कराया गया। तो ये हर एक पहले और चौथे मंगलवार को इस तरह फैजान को आना पड़ेगा? जी हाँ, ये प्रत्येक माह के पहला और चौथे मंगलवार को जो निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है तो उसको आना है यहाँ पे 10 से 12 के बीच में, और 21 बार राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करके भारत माता जय कहना रहेगा इसको, और ये प्रक्रम तब तक चलेगा जब तक इसके प्रकरण का माननीय न्यायालय से निराकरण नहीं हो जाता। और अगर कभी सबक है, अच्छा सबक है, ऐसे नारे या इस तरीके के बहकावे में आके बोलने वालों के लिए सबक क्या? ये तो फक्र होना चाहिए, अगर यदि किसी को ये मौका मिलता है राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करने का और भारत माता की जय कहने का, तो ये तो हर देशवासी हर भारतवासी को ये बड़ा ही फक्र महसूस करना चाहिए, और बाकी लोगों के लिए एक मैसेज है कि इसमें कोई मजाक में या कोई जानबूझ के भी इस प्रकार से कोई कृत्य नहीं करना चाहिए, देश के सम्मान को ठेस पहुँचे।